हेलो गाइस, बेस्ट होम डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नए घर का डिजाइन जो कि 4BHK है। यह घर हमने 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट डायमेंशन में डिजाइन किया है और इस घर को हमने 3 फ्लोर में डिजाइन किया है, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर में 2 बेडरूम का और जो हमारे किचन, लिविंग और ये जो डाइनिंग एरिया होता है, कॉमन एमिनिटीज, इसका प्रोविजन दिया है। और जो हमारे एवप फ्लोर से, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में हमने जिम एरिया, स्विमिंग पूल, 2 बेडरूम और जो हमारा होम थिएटर एरिया है, उसका प्रोविजन दिया है। बाकी जो हमारा सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में हमने गेमिंग एरिया, लाइब्रेरी रूम या फिर आप इसको स्टडी एरिया बोल सकते हैं, और जो हमारा लीजर एक्टिविटीज है, उसके लिए प्रोविजन दिया है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का सराउंडिंग वॉक थ्रू वीडियो। तो अब मैं आपको हमारे इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूं। तो इस घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी हमारी 50 लाख से 55 लाख रुपए के बीच में, और इस कॉस्ट में यह घर कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे घर का 3D सराउंडिंग वॉक थ्रू वीडियो। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 गेट प्रोवाइड किए। एक आ जाता है हमारा पेडेस्ट्रियन गेट और एक आ जाता है हमारा व्हीकुलर गेट, और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। यही व्हीकुलर गेट से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा पार्किंग एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 30 फीट 4 इंच बाई 20 फीट का। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने एक फ्रंट में पैसेज प्रोवाइड किया या फिर गार्डन, जो कि 8 फीट वाइड रहेगा। और यही पार्किंग एरिया से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा एंट्री गेट, और ये आ जाता है हमारा खूबसूरत सा लिविंग एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट 4 इंच बाई 20 फीट 10 इंच का। ये लिविंग एरिया हमने डबल हाइटेड प्रोवाइड किया, जिसका व्यू आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही मेजेस्टिक व्यू प्रोवाइड करेगा हमें। यह अगर हमने कम्प्लीटली वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। यहीं से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एंड किचन एरिया, जिसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया 23 फीट 2 इंच बाई 13 फीट 10.5 इंच का। ये आ जाता है हमारा किचन एरिया, जो कि कंबाइंड रहेगा हमारे डाइनिंग एरिया के साथ। यहाँ पे हमने किचन में एक सेकेंडरी गेट प्रोवाइड किया, जो कि साउथ साइड ओपन होगा, और ये गेट हमारा यूटिलिटी के लिए यूज होगा। ये आ जाता है हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम, जो कि 13 फीट बाई 5 फीट का रहेगा, और इसको हमने यही यूटिलिटी से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक हैंड वॉशिंग एरिया भी प्रोवाइड किया, जो कि डाइनिंग एरिया के लिए यूजफुल रहेगा। यहीं से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा कॉमन टॉयलेट, जो कि 5 फीट बाई 11 फीट 3 इंच का रहेगा, और ये आ जाता है हमारा ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 17 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 6 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया, जिसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया 17 फीट 5 इंच बाई 5 फीट का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम 2, जो कि गेस्ट बेडरूम कहलाएगा, और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 14 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा पूजा रूम या फिर पूजा एरिया, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 9 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 10.5 इंच का,
यहाँ पे आपने देखा कि लेफ्ट साइड में हमने ग्रीन पैसेज प्रोवाइड किया जो कि 5 फीट वाइड रहेगा और वो OTS जैसा एक्ट होगा। तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब यही स्टेयरकेस से होते ऊपर चलते हैं जिसमें हमने स्टेयरकेस का साइज प्रोवाइड किया 15 फीट 4 इंच बाई 7 फीट 8 इंच का। ये आ जाता हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आ जाता है हमारे ये डबल हाइटेड का व्यू जो कि बहुत ही खूबसूरत और मेजेस्टिक दिखने वाला है जैसा कि आपको ग्राउंड फ्लोर से दिख रहा था। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 3 का व्यू जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 17 फीट 5 इंच बाई 13 फीट 10.5 इंच का। इस बेडरूम में हमने साउथ साइड में एक अटैच बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि 3 फीट वाइड रहेगी। आगे बढ़ते तो इस बेडरूम में हमने एक स्टडी एरिया का भी प्रोविजन दिया जो कि 6 फीट बाई 7 फीट का रहेगा। इस बेडरूम में हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का भी प्रोविजन दिया है जिसका कंबाइंड साइज आ जाता है हमारा 17 फीट 5 इंच बाई 5 फीट का। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम जो कि बेडरूम 4 कहलाएगा और इसका साइज हमने प्रोवाइड किया 17 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 6 इंच का। ये आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम के अटैच बैल्कनी जो कि 3 फीट वाइड रहेगी और ये भी साउथ साइड ओपन होगी। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट एरिया जिसका कंबाइंड साइज हमने प्रोवाइड किया 17 फीट 5 इंच बाई 5 फीट का। आगे बढ़ते तो यह आ जाता है हमारा जिम एरिया या फिर सिटिंग एरिया जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 15 फीट 4 इंच बाई 12 फीट का और यही जिम एरिया से होते हैं यहाँ पे हमने फ्रंट साइड में 5 फीट वाइड बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी और ये फ्रंट का कंप्लीट व्यू प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते तो यही फर्स्ट फ्लोर में हमने होम थिएटर का भी प्रोविजन दिया है जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 20 फीट बाई 11 फीट 3 इंच का। यहीं पे आगे बढ़ते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में हमने पूल एरिया का प्रोविजन दिया जैसा कि हमने सबसे शुरू में आपको प्रोवाइड किया था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन में बताया था और ये जो पूल एरिया रहेगा इसका साइज आ जाता है हमारा 14 फीट 3 इंच बाई 14 फीट 3 इंच का और जो हमारा डेक एरिया आपने देखा वो आ जाता है हमारा 13 फीट 10.5 इंच बाई 9 फीट 7.5 इंच का। और ये जो डेक एरिया है ये हमारा रियर साइड में जो हमने OTS प्रोवाइड किया था जैसे कि हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा वैसा सेम OTS यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में भी आ जाता है। तो ये था हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अब यही स्टेयरकेस से होते ऊपर चलते हैं। ऊपर पहुंचते ही आ जाता है हमारे सेकंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। यहाँ पे सेकंड फ्लोर में आप देख सकते हैं कि हमने फैमिली लाउंज एरिया और जो हमारा गेमिंग जोन है या फिर लीजर एक्टिविटी जोन है ये प्रोवाइड किया है जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 23 फीट 2 इंच बाई 13 फीट 10.5 इंच का। यहाँ पे हमने साथ में एक बैल्कनी भी प्रोवाइड किया है जो कि 3 फीट वाइड रहेगी और ये साउथ फेसिंग बैल्कनी रहेगी।
आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने सेकेंड फ्लोर में एक छोटी सी लाइब्रेरी प्रोवाइड की है, जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया 11 फीट 8 इंच बाई 10 फीट 9 इंच का। और यहीं पे साथ में हमने एक छोटा सा टॉयलेट प्रोवाइड किया जो कि 5 फीट बाई 10 फीट का रहेगा। यहीं लाइब्रेरी एरिया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने एक फ्रेंच विंडो प्रोवाइड किया, और ये फ्रेंच विंडो से आगे चलेंगे तो ये आ जाता है हमारा बड़ा सा रूफ गार्डन एरिया, जो कि आउटडोर सिटिंग के लिए और फैमिली गैदरिंग के लिए परफेक्ट प्लेस रहेगी। तो ये था हमारे घर के 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का रूफटॉप का व्यू। रूफटॉप के व्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कम्प्लीटली कवर्ड रूफटॉप प्रोवाइड किया है। ये व्यू आप देख सकते हैं हमारे डक्ट का, और जो हमारा ये कम्प्लीटली रूफटॉप का व्यू रहेगा, जो हमारा ममटी का व्यू रहेगा, वो हमारा सोलर वाटर हीटर्स, वाटर टैंक और वाटर सप्लाई के लिए यूज होगा। तो ये था हमारे घर के 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर का 2D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉक थ्रू वीडियो। अभी आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये आ जाता है हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। ये आ जाती है हमारी वेस्ट फेसिंग रोड, और यहीं से हमने मेन एंट्रेंस प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे हमने दो गेट्स प्रोवाइड किए, एक आ जाता है हमारा पेडेस्ट्रियन गेट और एक आ जाता है हमारा व्हीकुलर गेट। यहीं व्हीकुलर गेट से आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया, जो कि 3 कार के लिए परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे फ्रंट में हमने एक बड़ा सा गार्डन एरिया प्रोवाइड किया जो कि 8 फीट वाइड रहेगा। बाकी राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 फीट वाइड सेटबैक प्रोवाइड किया जो कि यूटिलिटी के लिए यूज होगा। अंदर चलते हैं तो यहाँ पे अंदर में हमने सब कुछ एरिया, जो हमारा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, किचन एरिया, ये सब हमने कम्बाइंड या फिर कॉमन प्रोवाइड किया है। साथ में हमने यहाँ पे पूजा एरिया भी प्रोवाइड किया जो कि कॉमन रहेगा या फिर कम्बाइंड कह सकते हैं आप इसे। और यहाँ पे हमने पूजा एरिया के साथ एक डक्ट एरिया प्रोवाइड किया जो कि वेंटिलेशन के लिए परफेक्ट रहेगा, और ये ग्रीन डक्ट कहलाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक नॉर्थ साइड में गेस्ट बेडरूम प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे हमने साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हमने मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया जिसमें हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। साथ में ही हमने यहाँ पे वेस्ट साइड में एक कॉमन टॉयलेट का भी प्रोविजन दिया है। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमने किचन, डाइनिंग और हमारा एक स्टोर रूम प्रोवाइड किया है। साथ में हमने यहाँ पे एक हैंड वॉशिंग एरिया प्रोवाइड किया जो कि डाइनिंग के लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये था हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस घर के फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो ये आ जाता है हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर के प्लान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो बेडरूम का प्रोविजन दिया है, जो कि दोनों बेडरूम हमारे मास्टर बेडरूम रहेंगे जिसमें हमने अटैच ड्रेसिंग और अटैच टॉयलेट का प्रोविजन दिया है। साथ में ही हमने यहाँ पे दोनों बेडरूम में अटैच बालकनी का भी प्रोविजन दिया है। यहाँ पे बाकी जो स्पेसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूल एरिया, स्विमिंग पूल के साथ में डेक एरिया, और यहाँ पे हमने डबल हाइट का प्रोविजन दिया जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। साथ में यहाँ पे हमने होम थिएटर और जिम एरिया का भी प्रोविजन दिया है। और यहाँ पे फ्रंट में हमने 5 फीट वाइड एक बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देगी हमें, और ये हमें फ्रंट का व्यू कम्प्लीटली प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारे घर के सेकंड फ्लोर का प्लान। सेकंड फ्लोर के प्लान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आ जाता है फैमिली सिटिंग एरिया, साथ में हमारा ये गेमिंग एरिया या फिर लीजर एक्टिविटी एरिया, और यहाँ पे आ जाता है हमारा एक लाइब्रेरी एरिया, साथ में यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट भी आ जाता है। बाकी जो रिमेनिंग स्लैब रहेगा या फिर रिमेनिंग रूफ रहेगा वो आ जाएगा हमारा छोटा सा पार्ट एक हमारा रूफ गार्डन का। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो आ जाएगा हमारा कॉमन सिटिंग एरिया या फिर कॉमन एक्टिविटी एरिया। बाकी जो हमारा इसके एबव का या फिर ममटी रूफ कहलाएगा जो, वो आ जाएगा हमारा सोलर पैनल, सोलर वाटर हीटर और वाटर सप्लाई के लिए टैंक के लिए परफेक्ट रहेगा। और ये व्यू जो हमारा रहेगा, ये हमारा कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे एक हमने कटआउट या फिर डक्ट प्रोवाइड किया जो कि ग्रीन डक्ट कहलाएगा जैसा कि आपने वीडियो में देखा था एंड में। तो ये था हमारे घर के 2D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आपको भी आपके घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू वीडियो या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।